अगर बर्फी फिल्म आप देखे होंगे तो इस टाइप का ये है खैरावेरा डैम। हम लोगों को करीब 40 से 45 मिनट लगा यहाँ आने में अपने कैंप से, क्योंकि हमारा कैंप जंगल के अंदर है तो थोड़ा सा वो ऑफ रोडिंग करना पड़ा हम लोगों को, और समय उसी में ज़्यादा लगा। अगर आप मेन रोड पे कहीं पे हो तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, काफ़ी नज़दीक है हमारे वो तोंग कैंप से, तो अच्छा जगह है, आना चाहिए आपको। और आओगे तो आप इंजॉय करोगे सीनिक ब्यूटी यहाँ भी, और वो बुरुडी लेक और खुमकुट डैम वाला ही फील आपको यहाँ भी आएगा। ठंडी में नो डाउट बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, सो कोशिश करो कि ठंडी में आओ, और अभी जैसा वेदर चेंज हो रहा है तो ये सही मौसम है आपके लिए। ये एक पूरा व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा मेरे पीछे आपको समझ में आएगा, और ये इस साइड भी ये पहाड़ है, चारों ओर ये पहाड़ से घिरा हुआ है। और वो एक वहाँ पे रिजॉर्ट है जहाँ पे हमने गाड़ी रखा है, वो रिजॉर्ट का व्यू, मतलब अगर वो रिजॉर्ट आप लेते हो तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। आई बिलीव वो शायद 5,000 या 5,500 रुपया पर नाइट का स्टे है वहाँ पे, थोड़ा सा कॉस्टली है बट वर्थ है वहाँ पे रहना, आप इंजॉय करोगे वहाँ पे रहना।
तो बस अब यहाँ से निकलते हैं वो मुखौटे वाले गांव की ओर, वहाँ देखें कैसा मुखौटा मिलता है, क्या है, ज़रूर कुछ लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ कुछ रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों के लिए भी। तो बस अब यहाँ का हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। कौन था बारबेक्यू रात बोलो। ये गांव का नाम है चोड़ीदा, चोड़ीदा, और यहाँ फेमस है मुखौटा या नकाब। आप अगर बर्फी फिल्म आप देखे होगे तो इस टाइप का आपको एक सीन दिखा होगा जिसमें डांस करता हुआ एक सीन था। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ का, और अगर आप पुरुलिया आओ तो इस गांव को एक बार ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा नकाब देखने को मिलेगा और ये बनता है कागज़ का। अब कागज का এটা কেন কাগজের তৈরি হয় কেন 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 কাগজের কেন তৈরি হয় কাগজের তৈরি হয় এটা ভাঙবে না আচ্ছা সেই জন্য আর করে নাচতে পারবে কি করে হালকা আচ্ছা এটা তো চোখ ফুটো হবে মাটি হলে ফুটো হবে ভেঙে যাবে ওটা পরে নাচে পাতে দিগবে যে ভেঙে যাবে আপনি কতদিন ধরে করছেন এটা আজকে কি তা পুরুষ থেকে আজকে এটা কোনো আমাদের শিক্ষা দিতে হয় না আমি আমার বাবার কাছে तो थोड़ा बार्गेन करके देखें क्या रेट पड़ता है, उसके बाद फिर बताते हैं आपको आगे। बाकी वैरायटी बहुत सारा है यहाँ पे, आप जब कभी भी आओ एक बार ये गांव घूमना जरूर, आपको बहुत अच्छा अच्छा मुखौटा यहाँ पे मिलेगा। और ये गांव पूरा यही बिजनेस करता है।
সব কাগজের তৈরি हाँ। वहाँ से मुखौटा वगैरह खरीद के हम लोग अभी अपने कैंप में या टेंट में आप जो बोल लो आए। और एक बार आपको अपना टेंट, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, बट मैं आपको एक बार थोड़ा व्यू दिखाना चाहूँगा सो दैट आपको समझ में आएगा कि कैसा है। ये है टोटल अंदर का एरिया। ये एक बेड लगा हुआ है और ये जो है ये जिपर अगर हम लोग खोलेंगे तो हम लोग जाएंगे अपने वॉशरूम के लिए, और वॉशरूम इनका कंक्रीट का बना हुआ है। और ये छोटा सा टेंट दो लोगों के लिए सफिशियंट जगह है। एक कूलर दिया हुआ है अंदर, बट अभी हम लोग जिस जगह हैं इस जगह हम लोगों को कूलर का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज बहुत अच्छा वेदर है, अंदर ठंडा ठंडा ही है। वॉशरूम ये रहा वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम। इसको लगा आपसे चिंग लगा मच्छर को सेकने के। कोई बहुत बड़ा टेंट नहीं है बट ठीक है, दो लोगों के लिए सफिशिएंट है और अभी तक अच्छा लगा। एक बार बाहर का व्यू मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये वाला चप्पल फिर बाहर पहन के नहीं जा सकेंगे, गंदा हो जाएगा ना। ये है हमारा टेंट और वो रहा सोमनाथ का टेंट। और अभी शायद उतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि रात का वक्त है। और ये है लाइन से पूरा टेंट यहाँ पे, तो मैं डिटेल इसका आपको सुबह दिखाऊंगा सो दैट समझ में आएगा आपको। अभी फ़िलहाल चलते हैं टेंट के अंदर। और बस अब फ्रेश फ्रेश होके चाय अभी मिलेगा थोड़ी देर में, इवनिंग स्नैक्स और टी, उसके बाद फिर रात का डिनर और फिर कल सुबह के लिए जो भी है हम लोगों को साइट सीन करना। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। और रात का एक्सपीरियंस कैसा होता है कल बताऊंगा, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके लिए ये टेंट ठीक रहेगा या नहीं, बिकॉज़ जब हम लोग आए थे तब तो समझ में नहीं आया बट आगे समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।